Hi everyone, welcome back to my channel. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो NFSU की आप सभी जानते हो कि काउंसलिंग चल रही है। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है और सेकंड राउंड और थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग अभी जो है स्टार्ट हो गई है। तो काफ़ी सारे ऐसे कोर्सेज थे जिनकी ऑलरेडी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग के नोटिस आ चुके थे, लेकिन कुछ कोर्सेज के अभी तक नहीं आए हैं। इवन एक कोर्स है यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, उसका तो थर्ड लिस्ट भी आ चुका है। तो आज मैं जो ये है देखो, क्लिनिकल साइकोलॉजी, क्लिनिकल MSc क्लिनिकल साइकोलॉजी की थर्ड लिस्ट भी आ चुकी है, लेकिन आज जो है मेरिट लिस्ट रिलीज हुई है सेकेंड काउंसलिंग के लिए, वो भी BTech MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी की। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। दिस इज द लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि 11 तारीख को रिलीज किया गया था। और यहाँ पर क्या मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है BTech MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी, और नेम ऑफ स्कूल है साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स। ऑनलाइन मोड में आपकी काउंसलिंग होने वाली है और ये काउंसलिंग शेड्यूल है आपकी 14 अगस्त के लिए, और ये होगी 10:30 सुबह के बाद। ऑनलाइन काउंसलिंग की लिंक जो है आपको 30 मिनट से पहले भेजी जाएगी। ध्यान रखना, जितने भी कैंडिडेट्स हैं आपके ईमेल पर, आपको 30 मिनट पहले आपको लिंक भेजी जाएगी। तो उससे आपको ज्वाइन करना है, गूगल मीट की लिंक होगी, तो आप लोग गूगल मीट अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना, नेटवर्क्स अच्छे से रखना, वाईफाई वगैरह है तो वो सब चेक करके रखना, नहीं तो आप अगर काउंसलिंग स्किप करते हो तो आपका एडमिशन जो है वो बहुत ही मुश्किल है कि फिर हो पाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरिट कम चॉइस बेस्ड एडमिशन है, और पहले आपकी मेरिट देखी जाएगी, फिर आप जो है अपना प्रोग्राम चूज कर सकते हो। और प्रेजेंस इन काउंसलिंग, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट, आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा उस स्पेसिफिक टाइम पे। अगर कैंडिडेट अटेंड नहीं करता है तो आपका जो है आपकी फर्दर रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट की जाएंगी, और फिर उसके बाद में आपको जो है एडमिशन होने के बाद में आपको पेमेंट करने पड़ेंगे 74,000 रुपीज, ठीक है, इतना आपको पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर नीचे अब देखो लिस्ट भी दी होगी, ऑनलाइन पेमेंट है, आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI इनके थ्रू पेमेंट करना होगा, ठीक है। फिर और नीचे आते हैं तो ये पॉलिसी वगैरह रीड कर लेना जो भी है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, वैलिड ID प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट, कुछ भी चलेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए, यानी SC ST EWS और OBC वालों के लिए। 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर गैप इन स्टडी, तो अगर आपका गैप हुआ है उसके लिए। तो देखो मैंने गैप सर्टिफिकेट पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि कैसे आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना है। हाँ, वो डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय के लिए हेडिंग में आपको दिखेगा, लेकिन सेम ही बनेगा आपका सेल्फ डिक्लेरेशन जो है गैप का, वो सेम ही बनेगा, ठीक है। फिर नोट है, बेनिफिट और रिजर्वेशन दिया जाएगा कास्ट को, ट्राइब्स को, जो भी मेंशन होगा उन सभी को, ठीक है। अब इसके बाद में OBC NCL का सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए होगा, ये लिखा हुआ है। EWS का सर्टिफिकेट के बारे में लिखा है, वो सब लोग रीड कर लेना, उसके बाद जो है ध्यान से अपना सर्टिफिकेट रेडी करा लेना। वेकेंट सीट की लिस्ट दी हुई है, दिल्ली, धारवाड़ और त्रिपुरा, 3 कैंपस हैं। दिल्ली में यहाँ पर 1 ही सीट वेकेंट है, धारवाड़ में 8 सीट वेकेंट है और त्रिपुरा में 35 सीट्स वेकेंट हैं, ठीक है। तो ये इतनी वेकेंट सीट्स हैं, उसके लिए आपकी काउंसलिंग होने वाली है। मेरिट लिस्ट में यहाँ पे कैटेगरी वाइज दी हुई है, एक बार हम नीचे देखते हैं। ये जनरल कैटेगरी के लिए आप सभी को कॉल फॉर काउंसलिंग है। इसके बाद में जो है दूसरी कैटेगरी मेंशन होंगी, ऊपर आपको दिया हुआ है कैटेगरी वाइज ये लिस्ट है, OBC NCL की ये लिस्ट है, फिर SC मेरिट लिस्ट ये है और नीचे ST की मेरिट लिस्ट ये है। वेटिंग वालों को अभी जो है नहीं बुलाएंगे, मान लो अगर ये बच्चे नहीं आते हैं, ऊपर जो 3 बच्चे हैं, तो फिर थर्ड काउंसलिंग में आपको वेटिंग का कॉल जो है यहाँ पे, फिर आपका वेटिंग हटके कॉल फॉर काउंसलिंग लिखा आएगा। ऐसे ही EWS वालों में कुछ को वेटिंग दिया है, और यहाँ पे इनमें भी देखो, यहाँ पे लिस्ट ऑफ CW कैंडिडेट्स को भी यहाँ पे कॉल फॉर वेटिंग में वेटिंग लिखा हुआ है।
समझ में आ गया। सो दिस वॉज द लेटेस्ट अपडेट फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव गिवन NFAT फॉर BTech, MTech, साइबर सिक्योरिटी इन NFSU। सो यू गाइज शुड बी रेडी फॉर द काउंसलिंग प्रोसीजर। इट विल बी हेल्ड ऑन 14th ऑफ ऑगस्ट। इज दैट क्लियर एवरी वन? एंड फॉर मोर अपडेट रिगार्डिंग NFSU और NFAT, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and do like the video and do comment. So thank you so much for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care.